इधर दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि तोमर के बेटे बिचौलिए के साथ भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बातचीत हो रही है, लेकिन ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए चुनावों के अंदर आज ईडी ने कई पैसे पकड़े। अगर सत्ताधारी पार्टी आप हो, जगह जगह मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है और जगह जगह आपकी सरकारें चल रही हैं, सेंटर में आप बैठे हो तो आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये क्या, जो 10 साल से सत्ता में नहीं है, आप उनसे जवाब और हिसाब मांग रहे हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी का हिसाब और जवाब मांग कर यहाँ पर आए हैं। मतलब ये चुनाव नजदीक है तो सड़क पर उतर बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता देखिए हमेशा वो पार्टी में सत्ता में होती है या नहीं होती, वो जनता के हितों की बात की लड़ती है और लड़ाई करती है, इसी का जवाब और हिसाब मांगने में यहाँ पर आए हैं।